अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो जी, आज मैं बनाने जा रही थी बहुत क्विक स्टाइल में बिरयानी। बहुत दिल करने लगा अचानक से बिरयानी खाने का। तो बस ये छोटा सा वीलॉग है, रेसिपी वीलॉग है, तो इसको पूरा एंड तक देखें। और बहुत ही अच्छी और क्विक बिरयानी की रेसिपी है ये। 30 मिनट में, 1 घंटे में आप आराम से बना सकते हैं बिरयानी। तो यहाँ मैं प्याज काट रही हूँ, उसको मैं काट के ब्राउन कर लूँगी। और सबसे पहले मैं करूँगी मैरिनेशन। ये मैंने चिकन ले ली थी, ये तकरीबन 700 ग्राम चिकन है और ये 700 ग्राम चिकन की रेसिपी है। यहाँ मैंने जिंजर पेस्ट डाल दिया, अदरक का पेस्ट, और ये लहसुन का पेस्ट है, गार्लिक पेस्ट, ठीक है। उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पर तकरीबन 3 चमचे पिसी हुई हरी मिर्च के, ठीक है। और ये अब मैंने डाले हैं 2 टमाटर की प्योरी मैंने बना ली थी, वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून रेड मिर्च, और ये धनिया पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, और ये गरम मसाला 1/2 टीस्पून पिसा हुआ। यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, छोटा चम्मच। और ये मैं डाल रही हूँ टिक्का मसाला, ये लाजमी ऐड करना है, चिकन तंदूरी टिक्का मसाला 1 बड़ा चम्मच। और इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच बिरयानी मसाला, कोई सा भी बिरयानी मसाला आप ले लें। और यहाँ मैं अब डाल रही हूँ दही, 2 बड़े चम्मच दही के डालने हैं आपने। और ये मैंने डाल दिए हैं इसमें आलू, 3 बड़े आलू लेके उसको कट कर लिया था मैंने। और यहाँ 3 अदद प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था, और उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इन सारी चीज़ों को आपने कर लेना है मिक्स, और इसको हम मैरिनेट करेंगे 10 से 15 मिनट। और अगर आप इसको रात में मैरिनेट करके रख देना इन चीज़ों को, तो ओहो क्या फ्लेवर आएगा, आपकी सोच है। तो इस तरीके से आप बिरयानी बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और बहुत अच्छी सी चटपटी सी फ्लेवरफुल बिरयानी बनती है। तो यहाँ मैंने मैरिनेट कर दिया इसको, इसको मैं रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ मैं आप लोगों से बोलूँगी, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें। यहाँ जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई की थी, उसी में मैंने अब अपनी ये मैरिनेशन सारी डाल दी है। अब हम इसको हाई फ्लेम पे थोड़ी देर तक भून लेंगे अच्छे से, ठीक है। इसको आपने हाई फ्लेम पे 5 to 7 मिनट्स तक भून लेना है, और उसके बाद आपने इसकी फ्लेम को कर देना है मीडियम। बहुत ही टेस्टफुल बिरयानी बनती है, और इसका टेस्ट इतना डिफरेंट होता है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा आप। और यहाँ पे इसको देखें, ये भून गई है, ठीक है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, 1/2 कप के हिसाब का हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, और इसे ढक देंगे ताकि हमारी चिकन और आलू दोनों टेंडर हो जाएँ, गल जाएँ। तो इसको हमने ढक के 10 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारा पानी भी ड्राई हो जाए और आलू और चिकन भी हमारी टेंडर हो जाए। यहाँ मैं दूसरी साइड मैंने रख दी है चावल के लिए पानी। यहाँ मैंने सारा गरम मसाला इसमें डाल दिया है, ऐड कर दिया है खड़ा गरम मसाला। और अब जो है मैं यहाँ पे चावलों को डाल रही हूँ। ये तकरीबन 500 ग्राम चावल जो हैं मैंने लिए हैं ये, और 1 घंटे पहले मैं भिगो देती हूँ बिरयानी के चावल। हाँ, दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ जो है ये सालन हमारा रेडी हो रहा है बिरयानी का कोरमा, और दूसरी तरफ मैं चावल को बॉईल कर लूँगी। और ये है हरा मसाला, पुदीना, हरा धनिया, आलू बुखारे और 2 से 3 अदद हरी मिर्च। तो ये देखें, बहुत अच्छे से भून चुका है ये, और बिल्कुल टेंडर हो गया है गोश्त भी आलू भी। और अब यहाँ पे देखें चावल भी हमारे तकरीबन 1 कनी रह गया है। तो ये देखें चावल अभी फुल कुक नहीं करती मैं, 80% कुक करती हूँ। अब इसको हम छान लेंगे। और यहाँ हमारा मसाला जितना भी था भुन चुका है, अब हम इसमें हरा मसाला सारा ऐड करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
और हमने फ्लेम को ऑफ करके इसी में हम गरम गरम चावल डाल देंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये एक ही पॉट में बन जाएगी, तो हमने इसमें डाल देना है चावल सारे। बस कोरमा नीचे पूरी एक लेयर कोरमे की और एक ऊपर लेयर चावलों की। इसमें मैं फूड कलर ऐड कर दूंगी और इसको हम 10 से 15 मिनट दम पे रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको दम पे रखेंगे। और बिलीव मी, ये बहुत अच्छी बनती है ये बिरयानी, और बहुत इजी है, बहुत क्विक बन जाती है। तो देखें, यहाँ हमारी बिरयानी हो गई है रेडी, बहुत मज़े की चटपटी सी। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और रेसिपी को शेयर कीजिएगा। चलें तो हम बना लेते हैं यहाँ पे दही वाली सलाद। इसमें मैंने दही में डाली है, नमक डाला है मैंने, और मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च। बस ये दो चीज़ें इसमें डालेंगी और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। आपने बिल्कुल अच्छे से इसको विस्क करना है। उसके बाद आप इसमें जो चाहें, जो सैलेड में जो पसंद है आपको, वो ऐड कर सकते हैं। मैंने डाला है टमाटर, खीरा और प्याज, ये तीन चीज़ें मैंने इसमें ऐड की है। और ये इसका और बिरयानी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये भी रेडी है और हमारी बिरयानी का ये रहा फाइनल लुक, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। फिर आऊँगी एक न्यू रेसिपी, न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।